अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोमन फार्मेटिक्स विद एमके। आज की इस लेक्चर में हम ये बताएंगे कि प्रोटीन की पाथवेज हम कैसे फाइंड करते हैं। ये प्रोटीन की पाथवेज जिस तरह वो अपनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बॉडी में वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसके साथ इंटरेक्ट करके परफॉर्म करते हैं, इसे फाइंड करने की वो पाथवेज कहते हैं कि इस पाथवे पे ये फंक्शन परफॉर्म करती है या इस पाथवे पे ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इंशाल्लाह इस पाथवेज को फाइंड करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसे हम कैच कहते हैं। कैच सॉफ्टवेयर हमें बताएगा कि हम इसके पाथवेज कैसे फाइंड करते हैं। ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू हम करेंगे कि कैच सॉफ्टवेयर कैसा यूज़ होता है और उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपकी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जारी रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर अब हम स्क्रीन पे आ गए हैं और आप सिंपली कैच सॉफ्टवेयर को सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल कैच सॉफ्टवेयर को हमने सर्च कर दिया तो ये हमारे पास कैच सॉफ्टवेयर है कि डेटाबेस रिसोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल फंक्शन एंड एंटीट्यूड यूटिलिटी द बायोलॉजिकल सिस्टम इज मच ऑर्गेनिज्म को सिस्टम। तो सबसे पहले हमने इस पर क्लिक करना है और ये कैच सॉफ्टवेयर का होम पेज है जो डिफरेंट रिसोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन हमारा सिर्फ काम क्या है कैच सॉफ्टवेयर पे है। तो हम कैच सॉफ्टवेयर को ही सेलेक्ट करके अपनी प्रोटीन के नाम डाल के सर्च करेंगे। उसके बाद हमें ये डिफरेंट कैच सॉफ्टवेयर की डिफरेंट जीन की वो सॉफ्टवेयर हमें बताएगा क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, हमने जो चीज़ सर्च किया था वो हमें मिल गई है आसानी से। और फिर हम क्या करते हैं कैच जीन्स पे जाते हैं, जो जीन्स है हमारी वो CDK2 था तो इस पे ही हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये पेज आपको नज़र आ रहा है कि ये सारे लिंक्स हैं। ये लिंक्स जो आपको यहाँ देख सकते हैं उस चीज़ को आप जो भी टच करोगे, जिस पे क्लिक करोगे तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा, जैसा कि एंजाइम है, जैसा एंटोलॉजी है, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। अब बात ये है कि यहाँ पर इतने चीज़ें जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं इसके पाथवेज एक एक को फाइंड करना बहुत मुश्किल भी है और एक एक को फाइंड करना हमारे लिए बहुत टाइम भी लेगा। उसके बाद जब आप नीचे आ जाएंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट जीन्स हैं, CDK2 है, CDK2 की कौन कौन से जीन्स के साथ इसका ये जो इंटरेक्शन है जो वो आपको फाइंड कर सकते हैं। फिर ये जो रेफरेंस है और आर्थर टाइटल्स है जिस पे इन बंदों ने काम किया है, इस पे पेपर्स है, पब्लिकेशन है, तो ये भी आपको बताते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है कि सेल साइकिल जो है उस पे या कोई भी एक पाथवेज पे आपने क्लिक करके अपनी जो पाथवेज है वो आप फाइंड कर सकते हैं। सेल साइकिल में ये पाथवेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोटीन यहाँ पे कहाँ पे है। तो ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है CDK2, ये हमारे प्रोटीन है और ये इनके डिफरेंट पाथवेज है जो कि हम आसानी से इनकी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये जब आप इसे अंडरस्टैंड कर सके कि इसके पाथवेज कौन कौन सी जगह पे है, कौन कौन सी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस अंडरस्टैंड करने के बाद ये आपके प्रोटीन पे डिपेंड करता है कि एक प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन के साथ पाथवेज लिंक्स हैं, उसकी अटैचमेंट है। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके पाथवेज यहाँ पर SKP2 के साथ भी आ गया है और इसी तरह ये डिफरेंट CDK2 25A के साथ भी है और इसी तरह ये अपने फंक्शन सेल साइकिल में परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अपनी पब्लिकेशन या रिसर्च के लिए आप एक एक क्लिक करके उसकी पाथवेज को फाइंड कर सकते हैं कि CDK2 फलाना जगह पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं या फलाना जगह पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनकी कौन सी पाथवेज है। इसको आप जूम आउट जूम इन भी कर सकते हो स्केल के थ्रू से। तो ये हमारे पास आ गए जी पाथवेज। यहाँ पर PNG फॉर्म में आप पिक्चर भी ले सकते हैं और पाथवेज एंट्री है डाउनलोड के जेल आप ये पाथवेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कैच के बारे में कि आप उसकी कैच की जो पाथवेज है वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप आ सकते हैं कि अदर DB मीन की अदर जो डेटाबेसेस है उस पर आप देख सकते हैं टैक्सोनॉमी उसकी जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी एंटोलॉजी भी देख सकते हैं। और इसी तरह कैच की हर एक सॉफ्टवेयर में मैंने पहले भी बताया था कि हर एक सॉफ्टवेयर में
जो स्पेसिफिक चीज़ आप सर्च कर सकते हैं उसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है, डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर की वो सॉफ्टवेयर कितना कौन से सॉफ्टवेयर हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस थी हमारे CDK2 प्रोटीन की जो हमें हमें बताती है कि हम कैच पाथवे कैसे जो है वो फाइंड आउट कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू डेटाबेस बन फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन जारी रहे। थैंक यू।